नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। और आपके साथ मैं हूं नंदिनी पाठक। हिंदू धर्म में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें से रक्षाबंधन के पर्व को भाई बहन के रिश्ते पर आधारित पर्व कहा गया है। हिंदू धर्म में हर पर्व को मनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं कि रक्षाबंधन को मनाने के पीछे क्या कारण है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना। हिंदू ग्रंथों में किए गए वर्णन के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के रिश्ते पर आधारित है और इस बात का जिक्र पौराणिक है। रक्षाबंधन को लेकर समय के साथ कई बातों का वर्णन किया जाता है और आज भी भारतीय संस्कृति में उन पौराणिक कथाओं को माना जाता है और रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा जो कि कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी है, उसके अनुसार भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए जब सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया तो उनके तर्जनी उंगली में चोट लग गई और तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़ कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था, जिसके बाद कृष्ण ने द्रौपदी को बचाने का वादा किया और चीरहरण के समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा तो श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर उनकी लाज बचाई थी और तभी से रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत हो गई। इस पर्व पर भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा का संकल्प देते हैं। रक्षाबंधन का पर्व है और इस पर्व पर कई कथाएं कही जाती हैं। हिंदू धर्म में जिस तरीके से रक्षाबंधन के पर्व को इतना पवित्र माना गया है, तो इसके पीछे जो कथाएं हैं उनके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मनकामेश्वर महादेव मंदिर के महंत योगेशपुरी जी। इनसे जानेंगे कि रक्षाबंधन की जो मान्यताएँ हैं और कथाएँ हैं वो किस तरीके से अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और रक्षाबंधन का जो पर्व है इस बार वो क्या शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है जिससे भाई और बहनों को इसका पूरा पुण्य मिलेगा। तो इस बार रक्षाबंधन का जो पर्व है उससे पहले कई कथाएं कही जाती हैं, जैसे श्री कृष्ण और द्रौपदी के बारे में, तो उनकी जो मान्यताएं हैं वो कितनी पौराणिक है और वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है अपने आप में? देखिए, सबसे प्रमुख बात है सनातन धर्म के अंतर्गत में हमारे यहाँ पर चार त्यौहार कहे गए, चार वर्ण कहे गए हैं, जिनमें चार वर्णों में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। तो इनमें सबसे प्रमुख बात है कि जो ब्राह्मणों का जो पर्व जो कहा जाता है वह कहा जाता है श्रावणी उपाकर्मा, अर्थात जिसके समय में आज के समय में हम लोग रक्षाबंधन मान रहे हैं। और आज के समय में रक्षाबंधन केवल और केवल भाई और बहन का त्यौहार हो गया है, क्षमा कीजिए, ऐसा नहीं है। रक्षाबंधन जो कि नाम से ही अपने आप में सिद्ध है कि रक्षा करने का एक ऐसा बंधन है कि जिसके माध्यम से हम इस बंधन में बनते हैं कि हम सामने वाले की जो हमें बांध रहा है हम उसकी रक्षा करेंगे, सबसे प्रमुख बात है। तो ये भाई बहन का ही त्यौहार तक सीमित नहीं है, अपितु हमारे यहाँ पर तो ये है पत्नियों तक ने अपने पति तक को रक्षित करने के लिए ये त्यौहार, ये पर्व बनाया है गुरु के सानिध्य में। जब एक पत्नी अनुष्ठान करती है तो गुरु उसको एक रक्षा सूत्र देते हैं, एक सूत्र देते हैं, एक धागा देते हैं। और ये धागा जब इंद्र वृत्तासुर राजा से हारा था तो उस समय इंद्राणी ने उस वज्र को धारण करने के लिए एक महीने तक, एक मास पर्यंत अनुष्ठान किया बृहस्पति गुरु के आदेशानुसार और उस धागे को गुरुदेव से ग्रहण करके ले जा करके इंद्र की कलाई पर बांधा। तो एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि पति एक अपने पति को बचाने के लिए पत्नी ने एक अनुष्ठान किया और रक्षा सूत्र के माध्यम से उसको वह हमेशा रक्षित रहे, वह हमेशा हर परेशानियों से, हर कलेशों से, हर कष्टों से बचा रहे, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की आपदा ना आए, वहां पर इंद्राणी ने अपने इंद्र को बांधा है। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। यूं तो भारत में प्रकृति को देवी माना गया है और प्रकृति में उपस्थित हर चीज को पूजनीय कहा गया है, फिर बात चाहे नदियों की हो, पेड़ पौधों की या फिर पशु पक्षियों की, सभी का प्रकृति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ ही उन प्राकृतिक चीजों से जुड़ी कई कथाएं आज भी प्रचलित हैं। तो चलिए आपको एक ऐसी ही कहानी बताते हैं जिसमें यमुना नदी और रक्षाबंधन का जिक्र किया जाता है।
रक्षाबंधन और यमुना नदी से जुड़ी एक और कथा कही जाती है, और वो महज एक कथा ही नहीं है बल्कि हिंदू धर्म में उस कथा के पीछे बहुत बड़ा कारण छिपा है। हिंदू शास्त्रों में यमुना नदी को सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन माना गया है। कहा जाता है कि यम ने अपनी बहन यमुना को 12 साल से नहीं देखा था, जिसके बाद यमुना ने गंगा को संपर्क किया तो गंगा ने यम को उनकी बहन के बारे में याद दिलाया। इसके बाद यम यमुना से मिलने गए तो यमुना ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद यमुना ने यम के लिए भोजन बनाया, जिससे प्रसन्न होकर यम ने उनसे उपहार मांगने को कहा। तो यमुना ने कहा कि वे इसी तरह हर साल उनसे मिलने आए। यम ने इस बात को स्वीकार कर लिया और यमुना को उनकी हमेशा रक्षा करने का वचन दिया, और तब से लेकर आज तक ये परंपरा रक्षाबंधन के रूप में चली आ रही है। बहना ने भाई की सभी पर्वों को मनाने के पीछे जितने धार्मिक कारण हैं, उतने ही वैज्ञानिक कारण भी माने जाते हैं। रक्षाबंधन को धार्मिक दृष्टि से भाई द्वारा बहन की रक्षा के संकल्प को निभाने के लिए मनाया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो नदियों को जीवनदायिनी कहा गया है, लेकिन अगर हम आगरा में यमुना की बात करें तो बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस यमुना की रक्षा के लिए स्वयं यमराज ने वचन दिया था, आज उनकी स्थिति दयनीय है। यमुना नदी के किनारे बसे आगरा शहर को ताजमहल की सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, लेकिन ताजमहल की खूबसूरती में चार चांद लगाती है यमुना नदी। पौराणिक काल में यमुना नदी को गंगा नदी की तरह ही स्वच्छ जल के लिए जाना जाता था, लेकिन समय बदला और लोगों ने यमुना नदी को मैला करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यमुना का पानी गंदा होने लगा और शहर में यमुना का पानी प्रयोग करने लायक नहीं रहा। शहर में बढ़ती जल समस्या को देखते हुए पानी के स्रोत बढ़े और जल स्तर 400 से 500 फीट नीचे चला गया। पूजनीय यमुना में आज शहर के 29 नाले गिर रहे हैं, जिसके कारण यमुना का पानी प्रयोग करने लायक नहीं रहा। शहर में यमुना नदी होते हुए भी गंगा नदी से पानी मंगाना पड़ा है, जो यमुना स्वयं सूर्यदेव की पुत्री हैं और जिनकी रक्षा के लिए स्वयं यमराज ने वचन दिया था, आज उस यमुना की स्थिति दयनीय होती जा रही है। यमुना के कारण आगरा है, आगरा के कारण यमुना नहीं है। इसके तट पर बसा होने के कारण ही आगरा और मथुरा की पहचान है। यमुना एक पवित्र नदी है गंगा की तरह, लेकिन हम लोगों ने ना तो गंगा को स्वच्छ छोड़ा और ना यमुना को स्वच्छ छोड़ा। यमुना के जल संरक्षण के लिए समय समय पर प्रयास हुए, वृक्षारोपण हुए, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि यमुना की तली तक सफाई हो। उसमें जो रेत भर गया है उस रेत को निकाला जाए, सिल्ट को निकाला जाए। जब नदी गहरी होगी तो उसके अंदर पानी रुक जाएगा। अभी दिक्कत क्या है कि उसमें पानी आता है वो गंदगी का पानी, लेकिन अब हमारे माननीय विधायक योगेंद्र उपाध्याय के तमाम प्रयासों से गंगा जल आ गया है और वो गंगा जल सिकंदरा तक है। वाटर वर्क्स तक अगर वो गंगा जल आ जाता है तो हमको आगरा को ये लाभ होगा कि जो अन्य स्रोत से जल आ रहा है या यमुना में जो पीछे से जल आ रहा है उसको अभी जो वाटर वर्क्स पे ठोकर बना के हम ट्रीट करने के लिए ले लेते हैं वो बच जाएगा। अगर वो पानी बच गया तो आगरा की यमुना ताजमहल तक भरी भरी दिखाई देगी, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बियर बार या पूरा बार बनाया जाए बैराज, जिससे कि यमुना में पानी रुके। गोकुल बैराज के कारण सारा पानी मथुरा में रुक जाता है और अगर वो शटर खोलते हैं तो आगरा को पानी मिलता, वरना नहीं मिलता। आज हम पहुंचे हैं हाथीघाट यमुना किनारे पर, और आपको बता दें कि यहाँ पर यमुना की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कितनी दयनीय हो चुकी है। तो इस रक्षाबंधन हम ये अपील करते हैं लोगों से कि ये जो भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम यमुना जी को इतना प्रदूषित कर रहे हैं, जिन्हें हम पूजनीय मानते हैं, जिस गंगा यमुना की हम पूजा करते हैं, उन्हें माता मानते हैं, आज उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि देखकर लगता है ये वही यमुना जी हैं जो कहीं पौराणिक काल में कलकल करती हुई बहती थी और तमाम
आम लोगों को जीवन देती थी और गंगा और यमुना को जीवनदायिनी कहा जाता है, और क्योंकि यमुना जी मौजूद हैं आगरा में, फिर भी गंगा से पानी मंगाना पड़ रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं किसी न किसी तरीके से हम यहाँ जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के लिए। तो क्या इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं? कारण चाहे धार्मिक हो या वैज्ञानिक, सच्चाई तो यही है कि हम जाने अनजाने में यमुना नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, जो कि हमारे भविष्य के लिए नुकसानदेह साबित होगा। आगरा में स्थित ताजमहल की खूबसूरती को बढ़ाती है यमुना जी। पौराणिक काल में यमुना जी की स्थिति जो आज है ऐसी नहीं थी। जल बिल्कुल स्वच्छ था, लोग इसके पानी को पीने के लिए भी प्रयोग करते थे, लेकिन आज अगर हम देखें तो पानी कपड़े धोने लायक भी नहीं बचा, और इस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। तो इस रक्षाबंधन, जो कि रक्षाबंधन मनाने का उद्देश्य है कि हम अपनी बहनों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, तो जो धरोहर हैं उनकी भी रक्षा करने का तो जो हमारा जिम्मा है उसे भी पूरा करें। तो जो भी चीज़ें पूजनीय हैं उन्हें अगर हम यहाँ विसर्जित करते हैं तो ये ज़रा सा ख्याल रखें, उन्हें सही तरीके से विसर्जित करें और सही जगह पर करें। तो आज जो स्थिति हम यमुना जी की देख रहे हैं, जो यमुना जी के किनारे इतना कूड़ा करकट देखने को मिल रहा है, वो शायद नहीं होगा। समय रहते हमें रोकना होगा उस प्रदूषण को जो कि हम हर रोज यमुना के पानी में कर रहे हैं, क्योंकि धार्मिक कारण मानकर भी अगर हम पूजनीय यमुना की रक्षा नहीं कर पाए तो वो दिन दूर नहीं जब यमुना सिर्फ पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों में सुनाई देगी। और रक्षाबंधन मनाने के असल मायने तो यही है ना कि हम अपनी बहनों और धरोहरों की रक्षा करें, क्योंकि इन्हीं सब से तो समाज का सृजन होता है। तो यमुना को भी, जिसे हम पूजनीय मानते हैं और जिससे हमारे आगरा की शान है, उसकी रक्षा हमें करनी होगी, और यही है रक्षाबंधन का उद्देश्य। तो इस रक्षाबंधन हम ये संकल्प लेते हैं कि पौराणिक काल में कलकल करती यमुना को एक बार फिर से उसी रूप में वापस लाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि यमुना है तो आगरा की खूबसूरती है। बात अगर हम करें प्लास्टिक और पॉलिथीन की, तो चाहे मिट्टी हो, पानी हो, हर जगह पर प्रदूषण फैलाने के लिए सबसे बड़ा कारण हम इसे मान सकते हैं। और यमुना जी की जो गंदगी है वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक की वजह से लगातार बढ़ रही है। जब हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, पॉलिथीन का यूज़ करते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि ये आगे चलकर ख़राब नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, ये यमुना जी का प्रदूषण बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ये जिम्मेदारी निभानी है, और कहीं ना कहीं प्लास्टिक का यूज़ हम अगर न करें तो काफ़ी हद तक यमुना जी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ नंदिनी पाठक, सी न्यूज़ आगरा। दर्शकों, फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, और आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।